बहुत ज़्यादा यम्मी ते डिलीशियस अचार बनावांगे आपां, मिक्स अचार बनावांगे। तो मिक्स अचार जिहड़ा किसी भी नान परांठे नाल बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो वह अचार आपां किस तरह बनावांगे उहदे वास्ते पूरी वीडियो वेखो। सत श्री अकाल फ्रेंड्स, मैं सुरजीत कौर, तुहाडा सब दा स्वागत है साडे चैनल पंजाबी विलेज फूड फैक्टरी च, जिस विच अज मैं बना रही हूँ मिक्स अचार। मिक्स अचार आपां किस तरह बनावांगे, बहुत ईजी ते सिंपल वे नाल इंस्टेंट बनावांगे। तो आपां किस तरह बनावांगे आओ वेखिए। अज मैं बना रही हूँ मिक्स अचार। मिक्स अचार वास्ते आप लेंगे चार गाजर, तीन मूलियाँ, तो अदरक के टुकड़े ने दो, देख सकते हो, तो भी तो पच्ची जड़ी है हरी मिर्चा ने। हुण मैं इन्होंने सारे पील ऑफ करके तो कट लाँगी, मूली लंबे लंबे कट लेना। चाहे तो गोल कट सकते हो, चाहे तो लंबी कट सकते हो, मर्जी है थोड़ी। पतली पतली लंबी लंबी ज़्यादा स्वाद लगती है? नहीं, ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ज़्यादा पतली होएगी फिर अब मूली घुल जाएगी। ओके, हम जो आज मैं अचार पा रही ना, ये जो इंस्टेंट बनेगा तो ये खराब भी नहीं होगा। कई बार होंगे ना मूली का अचार, मूली का अचार का डब्बा खोली ना, उस स्मैल जी आती है मूली की, है ना, तो मूली की स्मैल भी नहीं आएगी, तो मूली का अचार भी बहुत टेस्टी बनेगा, तो ये जो बहुत लंबे टाइम तक चलेगा अचार। पूरी सर्दियाँ चल सकता? हाँ। हम जो आप मिक्स अचार पा लगे ना, ये पानी का बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए। हमने जी गाजर है, गाजर मैं धो के सुखा ली है, तो इनू कि सुके कपड़े रखे हुए, चाहे तो पखे के थले रख सकते हो या धुप भी लवा सकते हो। दो चम्मच सौंफ, बड़े दो चम्मच ले मैं, 10 to 12 काली मिर्च, दो चम्मच मस्टर्ड सीड्स यानी सरों का बीज, पीली सरसों 2 चम्मच, ये ना खट जड़ी अचार विच खटास लियांदी है, 1 चम्मच मेथी दाना, सुखा धनिया 2 चम्मच, इन्हां नाल टेस्ट बहुत ज़्यादा वधिया हो जाता है अचार का। 1 चम्मच जीरा। हुण इन सारे मसाले नूं मैं ड्राई रोस्ट कर लाँगी। हुण मैं इन्हां सारी चीज़ां की कटिंग कर चुकी, मिर्च अदरक ते मूली गाजर। हुण इन्हां विच ना पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल ही, जे पानी होएगा ना तो वो जो चार तड़ा इंस्टेंट खराब, मतलब कि 2-4 दिनों में खराब हो जाएगा। फिर ना कहना दसना नहीं है, या तो तुम इन्हें धुप्पे सुखा लेना, या तो पखे तले अच्छी तरह ड्राई कर लेना। ठीक है, हम इन्हों ड्राई रोस्ट करा देंगे। ड्राई रोस्ट जो हो जाएंगे ना, इन्हें वधिया जी खुशबू आने लग जाएगी। चलाते रहेंगे। हम कई बार होता है कि मसाले ना सिल जाते हैं, तो वह वधिया तरह हो जाए, खुशबू अपनी छड़ देन, तो मसाले जो ड्राई हो जाए, इस करके इन्होंने भुनिया जाता है। जो एसेंशियल ऑयल होंगे वो जो कि मसाले आप गर्म कर देना, वो निकल के वधिया तरह आ जाता, तो खुशबू बहुत वधिया आती, तो वो फ्लेवर जो किसी भी चीज़ का बच जाता है। हम जो मसाले भुने जा चुके हैं, इन्हों मैं ठंडे करके फिर पीस लाँगी। सरों का तेल है, मैं दो कप जड़ा सरों का तेल लवाऊंगी, इन्हू हो देवगी चंगी तरह गर्म। हम देख सकते हो कि ये ना धुआं निकल लग गया अच्छी तरह, तो हम मैं फ्लेम कर दी बंद, तो इन ठंडा हो देवगी थोड़ी देर वास्ते। तेल हूँ ठंडा हो चुके, हम मैं इन्हें दोबारा रखा। आधा चम्मच जिहड़ा हिंग पा देंगे, तेल इन्ना गर्म नहीं है, तेल मठा जा ही गर्म है। 1 चम्मच हल्दी पावांगी, 2 चम्मच भर के देगी मिर्च पावांगी, ये तिखी नहीं होंगी हैगी, सिर्फ कलर वास्ते होंगे, क्योंकि आप कलर लिया बाजार वर्गा। 2 चम्मच जिहड़ा नमक पा देंगी, 1/4 मिक्स कर लेंगे मसाले नूं।
मिर्च, मूली, अदरक, गाजर सारे कट्ठे पा देंगे हम। इन सारे एक बार मिक्स कर लेंगे। इनका जो क्रंच है वो नहीं खत्म होना चाहिए, ठीक है। और अच्छी तरह इनको मिक्स करेंगे। देखो तेल ना तो ज़्यादा है ना घट है, बिल्कुल पूरा पूरा तेल है। ज़्यादा तेल भी चंगा नहीं लगता है। और जो इंस्टेंट अचार है बना के बस रेडी है, तो खाओ। हम जो मैं मसाले पा देंगे, जोड़े आप ड्राई रोस्ट किए हुए से उन्होंने मैं दरदरा पीस लिया ही, ज़्यादा बरीक नहीं पीसना है, सिर्फ दरदरा पीसना ताकि उन्होंने जो स्वाद है बहुत वधिया लगे। तो हम जोड़ा इस मसाले आप मिक्स करांगे। तो यह जो मसाला ना बिल्कुल पाने एवं लगेगा कि जिमें तुम बाजार तो लिया के आए होंगे हो अचार, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी अचार बन के तैयार होंगे। तो कई बार कई हों सब्जी खाने जी करता रोटी नू, तो फिर उस टाइम अचार के नाल खाओ परांठे। हुण जिवें सर्दियों का टाइम आ गया तो परांठे अचार के नाल खाओ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बहुत ज़्यादा यमी लगते हैं। मैं तो अचार बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हुण इहनू अच्छी तरह मिक्स कर लाँगे आपां। हुण इहदे च कलौंजी पावांगे, कलौंजी जिहड़ा अद्धा चम्मच ही पावांगे, ज़्यादा नहीं पावांगे। हुण कलौंजी पा के भी अच्छी तरह इहनू मिक्स करांगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि पूरे अचार में जिहड़ी कलौंजी अच्छी तरह मिल जाए। हुण अच्छी तरह मिक्स कर लिए। हुण जिहड़े इहदे च मैं 2 चम्मच आमचूर पाउडर पावांगी। जे तो आमचूर पाना हो तो पा सकते हो, अदरवाइज स्किप करना हो तो स्किप भी कर सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं हैगी। मैं इतने जिमें विनीगर ना पाना हो तो उत्थे आमचूर पा लो, लेकिन मैं आमचूर भी पावगी तो विनीगर दोनों चीज़ें पावगी। ये पाना की होंगे आमचूर पाउडर पाना की होंगे कि जो चार है ना लंबे टाइम तक, यानी कि 2 हफ्ते तक तुम सेव कर सकते हो। तो जब विनीगर पा लिया, विनीगर पाने की होंगे कि थोड़ा लंबे टाइम वास्ते जो चार चल जाता है, तो अचार जरा खराब नहीं होंगे है। हम इतने सिर्फ मैं एक ढक्कनी यानी 1 चम्मच ही विनीगर पावगी। 1 चम्मच विनीगर पाता, बस ज़्यादा पाने की लड़ नहीं हैगी, बस 1 चम्मच ही बहुत है। तो हूँ मैं इनू मिक्स कर देंगी। ये जोड़ा अचार इनू अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि जोड़ा विनीगर है सारे अचार में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। हुण अचार नूं मैं ठंडा होने वास्ते रख दांगी। ये अचार जो बनने तो बाद जो ठंडा होए ना अच्छी तरह, फिर जार विच पाना है, नहीं तो फिर गर्म गर्म ना जिवें जार विच आपां पा देंगे फ्लेम, मैं हुण करती ऑफ, तो इनू बिल्कुल ठंडा होने देवांगी। जे गर्म नूं पावांगे ना तो गर्म गर्म विच पसीना जिहा जिवें आ जाएगे तो चार पासे जिवें, तो फिर वो खराब हो सकता चार, इस करके मैं इन ठंडा करके ही पावगी। उल्ली लगन के चांस भी फिर ज़्यादा हो जाते हैं। इस तरह जोड़ा अचार है लंबे टाइम तक चलता है। हम देख सकते हो अचार बिल्कुल ठंडा हो गया। एक बार मैं हाथ ना सारे मसाले मिक्स कर लें, किधरे मसाला घट या ज़्यादा ना रह गया हो, एक बार मिक्स कर ले। हूँ मैं इनू डब्बे में पा रही हूँ। बड़ा स्वाद बनया अचार, एक सर जी जिस तरह अंब का अचार बनाया से ना वो वर्गा अचार ना लभदा नहीं है। अंब का अचार बहुत ज़्यादा टेस्टी बनया है, अजे तक भी है। अजे तक साढ़े को किन्ने साल हो गए, अजे तक अचार है 6-6 साल लग गया। हूँ अज की पावे लसन का अचार, आंवले का अचार, नींबू का खट्टा मिठा अचार। मसाला जी करके पावे,
मसाले नहीं है ये एक मेडिसन है कि जी वायुवाद तो बचा है तो अचार में इस मसाले ना कट के सुटिया करो मसाले बहुत ज़्यादा वधिया होंगे ने तो मसाले खाया करो हूँ मैं इन बंद करके रख लाँगी तेनों नान ना पराठे ना मिस्सी रोटी ना जैम मर्जी खाओ असी तो हम रोटियां बनावे तो वो चार खावे हूँ चार बिल्कुल तैयार है इंस्टेंट अचार है हम चार न एक दो दिन बाद एवें हिला लेना ठीक है मम्मी।